हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को लगा, जिसके अंदर हर लाइन के अंदर नो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन को आप ढंग से देखिएगा। किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों का योग, कोई बिंदु है, उस बिंदु पर कार्य कर रहे हैं दो बल और उन दोनों बलों का योग है 16 न्यूटन, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, यदि परिणामी बल का मान 8 न्यूटन है, जो ये दो बल कार्य कर रहे हैं इनका जो परिणामी बल है उसका मान है 8 न्यूटन और इसकी दिशा यानी परिणामी बल की दिशा न्यूनतम बल के लंबवत है, जो न्यूनतम बल है उसके लंबवत है। तीसरी इंफॉर्मेशन, तो बल का मान हमें बताना है। तो पहली लाइन है किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों का योग, तो दो बलों का योग, एक बल हमने मान लिया A है और दूसरा बल हमने मान लिया B है, परिमाण हम ले लेते हैं, दोनों बलों का योग कितना है 16 न्यूटन, ठीक है। और जो परिणामी बल है, तो परिणामी बल या तो C ले लो या R ले लो, C जो परिणामी बल है वो है 8 न्यूटन। परिणामी बल इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, रीजनिंग भी है। चलिए, इसकी दिशा यानी जो परिणामी बल है इसकी दिशा न्यूनतम बल के लंबवत है, न्यूनतम बल के लंबवत है, ठीक है। तो ये हमने देखिए, डायग्राम इंपोर्टेंट है, डायग्राम हमें देखना है। ये तो हमने ले लिया एक बिंदु जिस बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे, एक बल ये हो गया, ये वाला बल हो गया बी, ए बल हो गया ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि न्यूनतम बल के लंबवत है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यही न्यूनतम बल है और इसके लंबवत जो परिणामी बल है वो क्या है, लंबवत। ये परिणामी बल हो गया लंबवत। अब एक बात सोचने वाली है, ये परिणामी बल हो गया सी, ठीक है, कैमरे में आ रहा है। चलिए, अब सोचने वाली बात है, जो दूसरा जो बल होगा वो इधर तो होगा नहीं, वो किधर होगा, इधर ही किधर होगा, क्यों होगा। तो ये देखिए, एक बात ये ले लेते हैं कि ये तीसरा, ये है दूसरा बल बी, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर दो सदिश पूंछ से जुड़े हुए हों, दो सदिश पूंछ से जुड़े हुए तभी परिणामी सदिश बीच से निकलता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। दो सदिश अगर पूंछ से जुड़े हो तभी परिणामी सदिश बीच से निकलता है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये न्यूनतम बल के लंबवत है, तो एक सदिश इधर है तो इधर तो हो नहीं सकता, क्योंकि परिणामी सदिश फिर साइड में से थोड़ी निकलेगा, परिणामी सदिश बीच से निकलेगा, ये नियम पढ़ने पड़ रखा है, तो बी को इधर ही होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इस बी के कंपोनेंट लेते हैं, इस बी के कंपोनेंट लेते हैं, तो ऐसा मान लिया ये कोण क्या है, थीटा कोण है, तो ये थीटा है, तो अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा बी, और कोस जीरो का मान होता है एक यानी कोस थीटा। अगर इस बी को इधर लेकर आएंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। अब बिल्कुल ये चीज समझ गए, ये चीज हमें दी हुई है, अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, ए के, तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बराबर ए, समीकरण एक। दोनों वेक्टर की दिशा समान, यानी बी कोस थीटा किसके बराबर हो गया, परिणामी वेक्टर जो बी कोस थीटा, बी कोस थीटा किसके बराबर है, जो भी परिणामी वेक्टर है उसके बराबर है, समीकरण दो। समीकरण एक व समीकरण दो को हम जोड़ देते हैं, तो जो स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान एक हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। और
ये हो जाएगा बी माइनस ए बी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर। सी क्या है? परिणामी, परिणामी में दिया हुआ है 8 और बी प्लस ए यानी ए प्लस बी भी हमें दिया हुआ है, तो बी माइनस ए बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में, तो सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए। सी कितना है? तो 8 इंटू 8 बट्टा बी प्लस ए कितना है? 16। तो काट दो, 8 दूनी 16, 2 चौक 8 यानी 4 न्यूटन। तो बी माइनस ए कितना है? 4 न्यूटन। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है? 16 न्यूटन, ठीक है। और बी माइनस ए, तो ए को पहले लिख देते हैं क्योंकि माइनस का ए है और प्लस का बी है, माइनस का ए प्लस का बी है, ये हो गया 4 न्यूटन। ये कट गया, ये आ गया 2b, ये हो गया 20। तो बी बराबर कितना हो गया? 20 बटा 2 करेंगे तो 10 न्यूटन। बी बराबर 10 हो गया। अब बी बराबर 10 मान हम यहां पर रखते हैं, बी बराबर 10 हम यहां पे रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 10 बराबर 6 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि न्यूनतम बल के लंबवत है, तो परिणामी बल न्यूनतम, देखिए बी है 10, बी कितना है? 10 यानी ज्यादा है। ए है न्यूनतम, कितना है? 6। तो न्यूनतम बल के लंबवत हुआ, यानी हमारा क्वेश्चन सही है, इसका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन व 6 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से कोई नई ट्रिक से या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। धन्यवाद, ऐसे क्वेश्चंस भेजते रहें, आपको किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।